वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले 26 तक हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक करके। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पर? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोफिलिक की अगर हम बात करें तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, यानी कि कोई ऐसा रिएजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति कैसा होगा, आकर्षित होगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, या इलेक्ट्रॉन लविंग जिसे हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन को लविंग करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा। तो ये क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो इसमें अगर हम बात करें तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह से है। ठीक है, किसका मतलब, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये दो शब्द हैं अपने आप में। एक कौन सा है आपका, एक आपका कौन सा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है स्नेही। तो ये दो शब्द हो गए आपके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को, स्नेह मतलब लविंग यानी कि उसके तरफ आकर्षित होने वाला। ठीक, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है स्नेही। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की तरफ अधिक आकर्षित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रति क्या होता है, स्नेह से, या इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षित होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो कह रहा है बे अभिकर्मक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अभाव मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब ही तो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनों के पास में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तभी जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रति कैसे होंगे, प्रबल आकर्षित होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये अभिकर्मक अणुओं के इलेक्ट्रॉन समृद्ध, ठीक है, अणुओं के इलेक्ट्रॉन समृद्ध मतलब इलेक्ट्रॉन रिच अर्थात अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होता है, युक्त केंद्रों पर आक्रमण करते हैं। कहाँ आक्रमण करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अगर हम बात करें, कहाँ इलेक्ट्रॉन रिच, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहीं पर क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इन अभिकर्मकों में इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनके इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तभी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे यानी कि ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, कह रहा है लुईस अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अतः ये क्या होते हैं आपके, लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं आपके, लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। तो ये आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनमें आपको दो चार याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एग्जाम्पल, ये है आपके धनावेशित आयन और ये आपके कैसे उदासीन। ठीक है, इन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हो हाइड्रोजन एच प्लस, दूसरा क्या है हाइड्रोक्सीनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O+। ठीक है, क्या होता है H3O+। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। नाइट्रोनियम आयन आपका हो जाएगा NO2+, और ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम आयन SO3H+। एक हो जाएगा आपका ब्रोमोनियम आयन Br+। ठीक, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये कार्बोनियम आयन C+। ठीक, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे धनावेश। ठीक है, जिन पे पॉजिटिवली चार्ज होगा।
दूसरे उदासीन की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका, बोरान ट्राइक्लोराइड हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3, एसिड क्लोराइड हो जाएगा RCOCl, ठीक है RCOCl, कार्बोनिल समूह हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक। दूसरा हो जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 हो जाएगा आपका, ठीक है उदासीन वाला। और एक आपका क्या हो जाएगा हैलोजन, ठीक है X2, जिसमें कोई भी हो सकता है आपका Cl2, Br2 और I2, ठीक है ये आपके क्या हो जाएंगे उदासीन वाले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा आपसे कह रहा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होगा, नाभिक, तो नाभिक के प्रति स्नेह करने वाले अभिकर्मक आपके क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक में क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ कौन आएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है वही आएगा इसके पास, ठीक है तो उसी को कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो कह रहा है यह शब्द भी जो आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो यह शब्द भी दो शब्दों, ठीक है कौन कौन से, न्यूक्लियो, ठीक है न्यूक्लियोफिलिक लविंग यानी कि न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्टिव होता है, ठीक है या न्यूक्लियस लविंग जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है आपका, अर्थात नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही जो नाभिक के प्रति आकर्षित होता है के योग से बना है, ठीक है दो शब्दों से बना है न्यूक्लियो और फिलिक। बे अभिकर्मक अणु अथवा ऋणावेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन समृद्ध यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तथा नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं, कौन से करा योग से बना होता है, बे अभिकर्मक अणु अथवा ऋणावेशित आयन, ठीक है ऋणावेशित आयन जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, समृद्ध कहाँ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन समृद्ध यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं अर्थात तथा नाभिक धनावेशित केंद्र के प्रति आकर्षण रखते हैं, कहाँ आकर्षण रखते हैं नाभिक के प्रति जिसपे कैसा होता है आपका धनावेशित होता है, ठीक है धनावेशित केंद्र होता है तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपके कहलाते हैं, ठीक है तो इनको हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। कह रहा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट उन यौगिकों पर आक्रमण करते हैं, कहाँ आक्रमण करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर कम होंगे, ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है। कह रहा है इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपका इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है कोई भी आपका न्यूक्लियोफिलिक हो गया, जिन्हें ये दान करने में सक्षम होते हैं, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे देते हैं, ठीक है दान कर देते हैं, अतः ये लुईस चार्ज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं लुईस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें कहते हैं लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दान कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं लुईस चार्ज कहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लुईस चार्ज कहलाएंगे, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दान करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है होते हैं। कह रहा कुछ नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के उदाहरण निम्न हैं, तो इनमें से भी आपको कुछ नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के एग्जांपल दे रखे हैं जिनमें से कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है इसमें भी आपका ऋणावेशित आयन है और दूसरा क्या है आपका एक उदासीन आयन है, तो इनमें से आपको दो तीन याद रखने हैं, ठीक है और दो तीन आपको उदासीन वाले में से याद रखने हैं, ठीक है। ऋणावेशित आयन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आपके कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है OH- हो जाएगा आपका, हैलाइड आयन कोई भी आपका यहाँ पर हैलाइड हो सकता है, ठीक है क्लोरीन, ठीक है कोई भी आपका हैलाइड आयन हो सकता है यहाँ पर, साइनाइड आयन CN- आयन हो जाएगा आपका, ठीक और करा एल्कॉक्सी आयन RO-, ठीक है ये आपका एक आयन हो जाएगा और हो जाएगा बाईसल्फाइड आयन, ठीक है बाईसल्फाइड आपका आयन यहाँ पर एक आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा क्या है कार्बोनियम आयन, ठीक है क्या हो जाएगा कार्बोनियम आयन R3 और इस पर एक आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके कैसे हैं ऋण आवेशित आयन है जो एक की न्यूक्लियोफिलिक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। उदासीन की अगर हम बात करें तो आपका जल हो जाएगा यहाँ पर H2O, दूसरा क्या हो जाएगा अमोनिया NH3, थर्ड आपका हो जाएगा एल्कोहल ROH, ईथर हो जाएगा ROR हो जाएगा आपका और एमीन हो जाएगा RNH2। सभी पे क्या है एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है सभी पे क्या है आपका एक एक लोन पेयर आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक कुछ इस तरह से ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, तो यही क्या होते हैं ये अपना लोन पेयर दान कर देते हैं, ठीक है क्या कर देते हैं दान, लोन पेयर है लेकिन इन पे क्या है चार्ज नहीं है इसलिए इनको उदासीन कह दिया, ठीक है उदासीन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह दिया, इन पे क्या है माइनस का चार्ज है, ठीक है
यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया है, ऋणावेशित आयन, ठीक है। ये कैसे हैं आपका, उदासीन अणु। लेकिन दोनों काम किसका करेंगे, दोनों न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेंगे, ठीक है। दोनों कैसा काम करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेंगे। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहीं जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षित, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा वहीं पर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले क्षेत्र में जाएगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है आपका, न्यूक्लियस के प्रति, न्यूक्लियस के प्रति आपका क्या होगा, लविंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपका कैसा होता है, प्लस का चार्ज, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता की ओर, ठीक है। कहाँ जाएगा, अधिकता से न्यूनता की ओर, इसमें क्या है, न्यूनता से अधिकता की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। तो जहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्लस का चार्ज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वहाँ पर ये जाता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है अक्सर, और ये चीज़ें आपको याद भी करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।